वेलकम बैक टू एके इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम एक अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम एडोल्फ डीजल था। उन्होंने डीजल इंजन कब बनाया, कैसे बनाया और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीजल इंजन की हिस्ट्री जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा कॉन्टेंट पसंद आए तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले के लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे, ये वो दौर था जब गाड़ी ईजाद नहीं हुई थी। उस वक्त अभी सिर्फ स्टीम इंजन ही ईजाद हुआ था। डीजल इंजन के ईजाद ने काया ही पलट दी थी क्योंकि स्टीम इंजन तेज रफ्तार नहीं था। डीजल इंजन के ईजाद होने के बाद इसने ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ियों को एक नई रफ्तार दी। इंजन के ईजाद भारी गाड़ियों के लिए किसी मौजे से कम ना थी। एडोल्फ डीजल एक ऐसा नाम है जो हर इंसानी जिंदगी के रफ्तार के साथ जुड़ा हुआ है। एडोल्फ डीजल ने एक ऐसा जरिया दिया जिससे इंसान की जिंदगी और रास्तों की दूरियां मिट गई। एडोल्फ डीजल ही वो शख्स था जिन्होंने डीजल इंजन की ईजाद की और दुनिया को डीजल इंजन से मुतारिफ करवाया। क्या आप जानते हैं कि इस इंजन को दुनिया में मुतारिफ करवाने वाले की पैदाइश 18 मार्च 1858 में हुई थी। अब जानते हैं एडोल्फ डीजल की जिंदगी से जुड़े कुछ राज और इन्होंने डीजल इंजन किस तरह इजाद किया। 22 फरवरी 1892 में एडोल्फ डीजल ने अपने कंप्रेशन इग्निशन इंजन को पेटेंट करवाया था और इसे चलाने के लिए सब्जियों और मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया। इसके बाद एडोल्फ डीजल ने इसमें सिलेंडर जोड़ा और दूसरी तरह के लिक्विड फ्यूल को इस्तेमाल किया। सिलेंडर और ईंधन डालते ही इंजन ताकतवर तरीके से गूंज उठा और इस तरह कंप्रेस की गई हवा और ईंधन से बहुत ज़्यादा ताकत मिली और इस तरह डीजल इंजन की ईजाद में कामयाबी हुई। अब डीजल इंजन काम किस तरह करता है। डीजल इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है जिसमें ईंधन के जलने का अमल इंजन के अंदर होता है। इससे पहले इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसमें ईंधन के जलने का अमल इंजन से बाहर होता था, जिसको हम स्टीम इंजन कहते हैं। स्टीम इंजन के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एडोल्फ डीजल के इंजन से गाड़ियां, जनरेटर और बहुत सी मशीनरी चलाई जाने लगी। इसका इस्तेमाल आसान होने की वजह से और ज़्यादा तवानाई पैदा होने की वजह से दुनिया में बहुत जल्द मकबूल हो गया। एडोल्फ डीजल का दावा था कि स्टीम इंजन में 90% तवानाई ज़ाया हो जाती है, जो कि एडोल्फ डीजल ने अपने डीजल इंजन से साबित करके दिखाया। इंजन की कामयाबी के बाद एडोल्फ डीजल को कई कंपनीज ने राबता किया जिससे एडोल्फ डीजल को बहुत सारे डीजल इंजन बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद एडोल्फ डीजल ने 17 सितंबर 1892 में अपनी जनरल डीजल इंजन के नाम से कंपनी चलाई और 4 सिलेंडर डीजल इंजन ईजाद किया। 4 सिलेंडर डीजल ईजाद करने के बाद इसको पेटेंट करवाया और इसके चंद अरसे बाद एडोल्फ डीजल की मौत वाकिया हो गई, जिसकी वजह से आज 100 साल बाद भी डीजल इंजन उन्हीं असूलों पर काम कर रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो डीजल इंजन की हिस्ट्री के हवाले से। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर दोस्त इस काबिल हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।